दोस्तों आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। सो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और फटाफट से मैंने 4 बजे उठ गया था और रनिंग किया। रनिंग वनिंग करने के बाद उधर डांस भी किया, मज़ा आ गया डांस करने के बाद। उसके बाद सीधा हम निकल गए गंगा जी और गंगा जी से अभी स्नान करके आ गए हैं अपने घर। तो आप देख सकते हो पूरा गीला पड़ रखा है मेरा शरीर। तो अभी फटाफट से कपड़ा चेंज करना है और सीन ऐसा है कि अभी हमारे साथ जो भी दोस्त लोग हैं वो अभी जाएंगे विद्यापति धाम, ठीक है, जहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, ठीक है। तो वहाँ का ब्लॉग होने वाला है, सो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और फटाफट से अभी रेडी होते हैं और निकलते हैं दोस्तों के साथ विद्यापति धाम। तो अभी आप देख रहे हो फटाफट से रेडी हो गए और बताना कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। अब हम निकलते हैं दोस्तों के साथ विद्यापति धाम के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो अभी फाइनली देख रहे हैं अभी यहाँ पे सारे दोस्त मिल चुके हैं, क्योंकि सारे नाश्ते में मंदिर तक जाएंगे। अभी निकलना है हम लोग को रेलवे स्टेशन, तो अभी आवाज भी नहीं आ रहा, हम आजा ही खा रहे हैं। डांस करने के बाद आप देख रहे हो कि अभी ऑटो के तलाश में हम लोग थे लेकिन ऑटो मिला नहीं, और यहाँ से रेलवे स्टेशन तकरीबन 4 किलोमीटर है। अब फैसला ऐसा हुआ कि सारे दोस्त ने बोला कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर हम लोग पैदल जाएंगे, और अभी हम लोग पैदल सफर पे निकल चुके हैं। और आप देख सकते हो कि ये लोग आ गया और यहाँ पे हम इधर चल रहे हैं। पैर का बैंड बच चुका है, लगभग हमने 2 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, लेकिन 2 किलोमीटर अभी और यहाँ पर बचा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। देख सकते हो इतना ज्यादा दूर चलने के बाद सबका पैर थक चुका है, फाइनली सब यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर हम इधर से निकलेंगे। तो देख रहे हैं कि फाइनली अभी हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और पैर का बैंड बच चुका है, सारे दोस्त पीछे रेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी ट्रेन का वेट करते हैं, लगभग 1 घंटा बाद हम लोग का ट्रेन आने वाला है, सो तब तक हम लोग मस्ती करेंगे। ट्रेन आने के बाद पूरा सफर होने वाला है बहुत मजेदार, ठीक है, सो बने रहिएगा आप लोग इस व्लॉग में। तो देख रहे हो फाइनली ट्रेन यहाँ पर आ चुका है और लोगों का भीड़ यहाँ पे इतना है, कुछ कह नहीं सकते हो आप। तो ये आप देख सकते हो ट्रेन यहाँ पर और सारे लोग विद्यापति धाम जाने के लिए रेडी है। देख सकते हो अभी हमें मोहद्दी नगर स्टेशन पे और भीड़ आप देख लो, ट्रेन में जगह बिल्कुल भी नहीं, इतना ज्यादा भीड़ है विद्यापति धाम जाने के लिए। तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन यही कि बस बैठने को कोई भी सीट वीट नहीं मिला है, तो खड़ा होकर जाना पड़ रहा है सारे दोस्त को, लेकिन मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी इसके 2 स्टेशन बाद विद्यापति धाम आएगा, फिर पूजा करने भी जाने वाले हैं। और आप देख सकते हो ये भीड़ है विद्यापति धाम का, ठीक है, देख लो कितना भीड़ है यहाँ पे, बहुत मजा आने वाला है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है, ये देख लो भीड़, देखो भीड़। विद्यापति धाम रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मंदिर बहुत नजदीक है और अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि स्टेशन पे इतना ज्यादा भीड़ है, मतलब क्या ही बोलोगे यार, मतलब बहुत ज्यादा श्रद्धालु है यहाँ पे, मतलब कि आ चुके हैं, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ और आगे का सारा सीन आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो मेला में एंट्री हमने ले लिया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो जैसे यहाँ का सीन पूरा, ये भीड़ देखो बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है। सो अभी पूरा नजारा आपको दिखाएंगे। विद्यापति धाम में फाइनली एंट्री कर चुके हैं और इधर सब जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, भीड़ बहुत ज्यादा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फाइनली अभी सारे दोस्त आगे निकल चुके हैं और अभी हम भी जा रहे हैं, तो फाइनली देख रहे हो लाइन लग चुके हैं जल लेने, अभी जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और इधर आपको मंदिर, अभी हम बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर वैसे। तो
फाइनली जितना भी मंदिर था सारे मंदिर में भी हमने जल चढ़ा लिया, आप देख सकते हो ठीक है। और कुछ हाल देखोगे तो कुछ इस तरह से है, और अभी बहुत सारे दोस्त अभी उसी भीड़ में है। अभी एक दोस्त मेरे साथ सिर्फ आ पाया जो मेरे साथ था, और अभी यहाँ से देखोगे पूरा नजारा तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और इधर का नजारा देख लो ऊपर से, अभी हम बैक कैमरा से भी आपको दिखाएंगे। और इधर आप देख सकते हो हनुमान जी का यहाँ पर मूर्ति है, और एक और राम जी का है ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज्यादा क्राउड, इतना ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, आप खुद देखो। महाकाल लुक में आ गए जितने भी दोस्त हैं, तो अभी पूजा पाठ हमने कर लिया है, तो फटाफट से एक बार बोल दो बोल बाम बोल बाम। तो अभी इधर से निकलते हैं, और भी कुछ दिखाने वाला सीन होता है तो सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो अभी इधर देखोगे तो पूरा चारों तरफ मेला लग रखा है, तो आप देख सकते हो ठीक है, ये सारा सीन आप देख सकते हो। बहुत सारे सामान दिख रहे हैं, तो जितने भी लोग आ रहे हैं सारे सामान खरीद रहे हैं, खिलौने विलौने बहुत चीज है, मतलब कह नहीं सकते क्या क्या सामान है, सारा सामान मिल जाएगा। इधर जो भगवान का प्रसाद होता है वो सब मैंने ले लिया है, और यहाँ पर देख रहे हो कि बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, उनका छोटा छोटा जंपिंग वाला झूला है। अभी कुछ खा पी लेते हैं ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और सुबह से कुछ नहीं खाए, तो अभी चलते हैं निकलते हैं, सारे दोस्तों के कुछ खाएंगे फिर घर निकलेंगे। ये भी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुका है हम लोग का छोला भटूरा, अब खाते हैं उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। बिना खा के और सब सामान लेके अभी फाइनली अभी रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन अभी लगभग एक घंटा लेट है मेरा, ट्रेन आता है फिर अभी हम घर निकलने वाले हैं, तो अब सीधा हम मिलते हैं अपने रेलवे स्टेशन पे। हम लोग का ट्रेन आ गया है और अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं, और अभी निकलना है घर की तरफ। तो अभी देख सकते हो इधर ट्रेन का नजारा, अभी खाली हो चुका है ठीक है, अभी पूरा खाली हो गया है क्योंकि भीड़ खत्म हो चुकी है। जितने भी लोग हैं सब अब अपना अपना घर जा रहे हैं पूजा पाठ करने के बाद, अभी हम भी घर निकलते हैं, अब आपको मिलेंगे सीधा अपने घर में। घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा थक गया हूँ, सो इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा आज के इस ब्लॉग को देखकर, तो मजा आया तो फटाफट से इस ब्लॉग को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जय महाकाल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।